हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और बस अभी आज निकलना है मदह के लिए, थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि हाजी अली भी जाना है माँ पापा को लेके, तो अभी अम्मी से मिल लेते हैं। हम लोग उधर गए, हम लोग जा रहे हैं हाजी अली दरगाह। फ्रेंड्स, हाजी अली दरगाह आज नहीं जा सकते हैं, आज शायद हमारे हाजी का दिन नहीं था क्योंकि पानी ऊपर तक है, 2 बजे तक मज़ार बंद है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अभी माहिम के दरगाह, चलिए यहाँ चलते हैं। पहले खाना, उसके बाद स्टेशन से। दरगाह में भी हो लिया है, लंच भी कर लिया और अभी चलते हैं स्टेशन। चलो भाई, सामान उतार लिया, चलते हैं अंदर। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा है। हमने कहीं चला कर मौका आ जाए मां कैसे खोलेगा ये? एक दिन में सिल दिया और यहाँ पे वी फास्ट भी हो गया, आरती ने कर दिया था जाने से पहले। मुझे जैसा सैंपल दिखाया था वैसे ही अब पहन के दिखाएंगे, फिर देखते हैं। ऐसे ऊपर से दिखा देती, खोलने का जरूरत थी यहाँ पे। अभी भी यहाँ भी पैकिंग चल रही है हमारी, डाल दो। इतनी देर से आई हुई है लेकिन एसी ऑन नहीं कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि सबन ने गरम वाला स्टॉल डाला है, तो सच में डाला तो गरम वाला ही है लेकिन इसमें कुछ मैच ही नहीं कर रहा था सुबह सुबह। और फिर मैंने सोचा कि ट्रेन में थोड़ी देर बाद ना ठंडा हो जाएगा तो फिर शॉल की जरूरत पड़ती है, लेकिन सच में गर्मी है। आपको भी गर्मी लग रही है? आओ चले बाहर। इसीलिए पापा और अम्मा लोग तो बाहर ही है, जब तक ट्रेन अभी चल नहीं रही है, एसी भी नहीं चल रही है, थोड़ा बाहर ही बैठ जाते हैं। चलो हम लोग भी चलते हैं बाहर, चैन की सांस। सब लोग बाहर बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर आया था यहाँ पे, ये सब हमने लिया अभी खाने के लिए, रखने के लिए। मैं अंदर आया ना तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सभा यहाँ पे अपना फोन छोड़ गई है। उसको पता नहीं उसका फोन उसके पास नहीं है, यहाँ पे इसके पड़ा है फोन। अब मैं इसका रखता हूँ फोन अपने पास, इसको आज अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। भैया ट्रेन चलने लगेगी तो बैठ जाते ट्रेन में हम लोग। लाइट भी आ गई, चल गई एसी दो। अरे तो हमारी तो सीट थी इसलिए रख के गए थे। तुम्हारी सीट यहाँ से कोई जाके ले जाएगा? तुमको प्लेटफॉर्म में भी लगा लिया था, तुमको सीट मिलनी चाहिए। आज जहाँ पाती वही फोन छोड़ देती हो। A few hours later. अभी हो रहा है 8:30, डिनर टाइम हो गया, हम सब खाना खा लेते हैं। ये पनीर, ये मिक्स वेज, ये रोटी, ये दही और। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4:49 होने वाले, 5 बजने वाला है और झांसी स्टेशन जो आने वाला है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक्साइटमेंट में खाने की इतनी सारी चीजें ले तो ली लेकिन खाई नहीं। एक बार चेक कर लिया? हाँ सब कुछ चेक कर लिया है। तो वहाँ पे एक इंसान आया, नहा गया, सब कुछ कर गया, बाद में से दे रहा 5 रुपए। तो जो ओनर था उसकी ऐसी हालत थी, वो सुबह सुबह से इतना कुड़कुड़ाया बैठा हुआ था, वो कर भी कुछ नहीं सकता। सुबह सुबह उसने पूरा सब दिन खराब कर दिया भाई, तो सब परेशान है। सुबह सुबह से 5 बजे से लड़ाई लग जाती है दुनिया। चाय पीने की जल्दी आ जाओ। इस वक्त बज रहा है 8:30, हम लोग अलहमदुल्ला अच्छे से घर पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाह। अभी है ही नहीं चाबी, ऊपर की चाबी यहाँ रूम के लिए, घर वाले ढूंढ रहे चाबी, पता नहीं चाबी कहाँ रख दी गई। मिली
दवाई के डब्बे के अंदर चाबी रखी गई। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जैसा हम लोग छोड़ के गए थे वैसे ही है। तो आपको क्या लगता है कोई जिन आके यहाँ पे आराम करेंगे? जब लोग नहीं है तो घर तो वैसे ही रहेगा। साफ सुथरा रूम, बहुत तेज नींद आ रही है, फिर जुमा भी है, जुमा से पहले उठना है, थोड़ी देर सोएंगे, सो के नहा धो के आपसे मिलते हैं। A few hours later. Hi friends, assalam alaikum. हम लोग सो के उठ चुके हैं, नमाज भी हो गई, अभी चलते हैं नीचे लंच के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबकी हो गई नमाज, सब खाने की तैयारी, चिप्स डाल रहे हैं आलू। चलिए भाई जल्दी करिए ना। अब भाई की भाभी के लिए मानते हैं। हाँ भाभी की भी मानना है। चावल थाली तैयार कर रही है वैसे। मैंने रुखसाना से कहा तुम भी रख लेना, अपना मन छोटा ना करो तुम। सही बात है, आप भी लेना, शाम तक बांध देना। चलो मौदा में आके भी हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया, जा रहे हैं हम लोग लेने के लिए फ्रूट्स और सब्जी। ज्यादा कच्ची नहीं, पाक पाक दे, अच्छी मीठी मीठी। अमरूद 20 रुपीज केजी अमरूद मिल गए इधर। चले आज ही सब्जी लेने हैं, पूरा अपना पेट भर रही है यहाँ। चलो भाई चलते हैं। सब कुछ ले लिया, अब लेना है सब्जी। सब्जी लेगी सब उतर के, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है सब्जी मंडी में। ये बहुत सारे ये बैठे हैं, ये है, ये है, ये है। ओए मंकी, अरे ये कितनी अच्छी शॉप खोली है, देखो कितने प्यारे प्यारे हार्ट है। शॉप अच्छी क्यों नहीं होगी फ्रेंड्स, नाम किसका है? बॉम्बे ब्यूटी बाजार। ठीक है चलो अभी जल्दी से उतर के लेते हैं सब्जी। सब ले लिया, सेब नहीं खाएगा, केला 50। बंदरों ने ना आतंक मचाया हुआ है, केला खा लेते हैं फिर आ जाते हैं, और एप्पल भी नहीं खाते। ये देखो ये फ्रूट की शॉप के ऊपर ही घूम रहा है वो। देखो ये भी आई है। अब मुझे पता था कि आ गई होगी। तुम्हें कैसे पता चला मैं आई? वो अब्बा ने बताया। अब्बा ने बताया है? हाँ। और ठीक हो? तो खुशी मिल गई। तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी है, नुकसान क्या ले गया? तुम्हारी फेवरेट मिठाई जो मुझे पसंद है वो वाली ले गई। तो मैं सही काम किया, मैं एक बार खाता हूँ। भाभी तो भाई बन गया भाई। अब तुम भी आ, चलो जल्दी आओ, मेरे पास तो सिर्फ एक ही। हाँ तुम्हें मुझे नहीं खाना, तुम बहनो तुम्हारी। A few moments later. सनी आ गए हैं बाहर दोस्तों के साथ मिलके, इतने दिनों बाद कैसे लगा? बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमने और मेहर ने भी वॉक कर लिया, हम जा रहे हैं मेहर को छोड़ने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय। चलिए तो अभी हो गया डिनर टाइम, खाना गर्म कर लेते हैं और खाते हैं। और आज खाने में बनी मछली जड़की रानी है। डिनर हो चुका है फ्रेंड्स, आ गए रूम में, आज जल्दी सोएंगे क्योंकि इतनी थकान है। जैसे ही खाना खाया ना, खाना खाते ऐसे ऐसे लग रहा था कि बस अब वॉक नहीं करनी है। वॉक वैसे मैंने पहले महल के साथ कर ली थी, हमने मुंबई में सीरीज देखी थी द नाइट मैनेजर, उसके 2 एपिसोड सनी ने मुझे इतने दिनों से नहीं दिखाए, मैंने कहा प्लीज वो 2 एपिसोड कम्प्लीट करा दो। टीवी तो हमने अब तक ये टेप भी नहीं निकाला, निकाल दो आराम से निकालना, लेकिन टीवी आपको बाहर शिफ्ट करानी है। हाँ तो निकाल दो, क्या होता है फिर मेरे हाथ लगेंगे। फ्रेंड्स आप बताओ, यही रहने दे, बाहर अभी रुकी हूँ मैं, अभी नहीं करा रही। फ्रेंड्स बेडरूम में अच्छी लगती है या बाहर होनी चाहिए? बस इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ कर, वो सब देखेंगे। ठीक है, अलग ही सेटिस्फेक्शन है। अरे आराम से भाई, मेरी मेहनत से कमाई की भी आराम से नहीं निकालती। अब पूरा निकालिए, मैं निकालती हूँ, निकालो उसको। सारी सेटिंग करा के लाए हो, तुम्हारी तो ज्यादा ही मेहनत से कमाई थी। तो ये देखिए हमारा ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ न्यू टीवी। A
The next morning. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फिर से नेक्स्ट डे हो गया है। अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। और अभी मेरा मॉर्निंग रूटीन है कि मैं गर्म पानी नींबू पीती हूँ, उसके काफी देर बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। सुबह सुबह से टीवी मैच के लिए। आज तो फ्रेंड्स पूरा इंडिया और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया टीवी के सामने बैठा होगा या बैठ जाएगा। कब से मैच 3 बजे से है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसका पता नहीं लोगों को अलग ही क्रेज होता है। तो मैंने कहा मैं भी साथ में देखूंगी। आज के ब्लॉग में आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखना, क्योंकि मैच के अलावा भी जिंदगी है। तो आज हमारा दूसरा जो काम है वो ये है कि जो हमारा न्यू किचन है, जो ऊपर हमने बनाया था, उसको थोड़ा बहुत सेटअप करना है। ये रहा हमारा न्यू किचन। चलिए अभी चलते हैं नीचे। चाय बन गई दे दे, और ये बन रहे करेले। सनी खाएंगे खीर और खाऊंगी चाय टोस्ट। फ्रेंड्स मैंने आज 35 मिनट्स वॉक कर लिए सुबह से ही, शाम का चक्कर नहीं रखा। और अभी थोड़ी देर करूंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे भी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना वो कम होता है। तो उसमें मैंने नेट पे देखा है कि थायराइड भी सही होगा और सारी चीजें ठीक होंगी। तो दौड़ो पड़ रहा है क्या? फ्रेंड्स ये ट्रेडमिल की ना जगह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मिरर का कुछ एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, मैं पास जा ही नहीं पाती हूँ। यहाँ पे ना सब बिखरा होता है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े भी मैं इधर ही डाल देती हूँ। ये जगह सही है और ये खुद ब खुद नीचे जा रही है। सही है, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ से बाहर दरवाजा है, वो भी खुल जाएगा। देख आराम से ये जगह सही थी, अभी तक हमने गलत रखा था। यहाँ पे ना मिरर के पास भी आ सकते हैं, कनेक्शन उसका वहाँ से पीछे से कर सकते हैं। तो बताया ना मैंने दिमाग का आइडिया। तो पता है एक बार क्या हुआ था, एक बार की बात है, अल्लाह के यहाँ सब लोग थे, अल्लाह ने सबको बनाया। फिर अल्लाह ने जब इंसान बनाया तो फिर उसका दिमाग भी बटने का नंबर आया। तो जब दिमाग बट रहा था तो सबसे पहले तुम लाइन पे खड़ी थी, तो आप वहाँ नहीं थे। मैंने आपको बहुत ढूंढा तो अल्लाह ने आप वाला भी मुझे दे दिया। सुबह खाना नहीं खाया कुछ? तो चल अभी फ्रेश हो गए, नहा लिया, अभी चलते लंच के लिए। और मैं अपने फेस पे ना आजकल ये बहुत छिड़क रही हूँ, फॉरेस्ट एसेंशियल से लिया था वेटिवर वाटर, मतलब टोनर मिस्ट है, फेस पे छिड़क के ना बड़ा फ्रेश लगता है ऐसा। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। कोई भी टोनर छिड़क सकते हो या रोज वाटर भी छिड़क सकते हो दिन में 2-3 बार, तो बड़ा फ्रेश लगने लगता है। लंच में आज बने हैं करेले एकदम फ्राई वाले, दाल चावल रोटी सैलेड और ये रहे सनी। लंच हो चुका है फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नमाज पढ़ लेते हैं। मैं आ गया हूँ ऊपर, मैच शुरू होने हैं, बाकी है 5 मिनट बस, सब नमाज पढ़ ले जल्दी फटाफट। ये रही मैच की पहली बॉल। अरे भाई साहब पूरा अंधेरा करके मैच लगा के बैठ गए हो, जिंदगी में और भी कुछ काम है मैच के सिवा? मैं कहाँ जाऊँ, सबको बुला तो लिया, घर कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, सब आगे ही देंगे, तुम चाय बना के ले आओ। ओ गई सफाई, आ जाओ यार अब मैच देखो। मैच मैच का इतना ज्यादा प्रेशर जब ये देखने वालों को हो जाता है, इनके साथ मुझे भी हो जाता है, कौन जीतेगा क्या होगा, सोचो कि जो टीम है जो प्लेयर्स है उनको कितना प्रेशर होता होगा। तो हमें अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करना है, लेकिन जो भी रिजल्ट होता है उनको ऐसे ब्लेम नहीं करना। बहुत बार मैं देखती हूँ जब कोई टीम हार जाती है तो वो उनके प्लेयर को बोलेंगे इसने अच्छा नहीं खेला, इसने हरा दिया। तो ऐसा मत करो, जब हम लोग की हार्ट बीट इतनी फास्ट होती है तो जो वो प्लेयर है वो अपनी जीत जान लगा देते हैं। तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, हमें अपनी टीम को अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना है और सपोर्ट करना है। ठीक है, थैंक यू। ओ भैया बारिश, अब क्या करोगे? पूरा मूड खराब हो गया है। मैं भी भैया अपने मन को बना के देखने बैठ गई थी, चश्मा लगा के, और बारिश आ गई। ओ तेरी, गया मैच। लेकिन जो मैच कराते हैं उनको पता होना चाहिए ना कि श्रीलंका का कैसा मौसम होता है, वेदर फोरकास्ट में वैसे 15 दिन का बता देते हैं, और जहाँ इतना बड़ा मैच चल रहा है वो नहीं देखा। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन श्रीलंका में क्यों कराया? पिछली बार लंका जीती थी एशिया कप, तो जो जीतता है एशिया कप वही अगले बार कराया, उसी के यहाँ पे होता है। मतलब अगर इंडिया जीतेगी तो इंडिया में होगा, पाकिस्तान जीतेगी पाकिस्तान में होगा। तो बरसात में क्यों कराया? बरसात टाइमिंग यही होती है, बरसात से क्या मतलब है, बाकी मैचेस हुए ना वहाँ पे। कुल मिला के अल्लाह ये चाहते है कि टेंशन रिलीज करो, इसीलिए नहीं बढ़ रहा मैच को। मैच जैसे देखो क्या क्या बीपी पड़ना है, खेले जो अच्छा खेले वो जीतेगा, सीधी सी बात है। और हम तो ये कह रहे हैं कि चलो बाजार चल के आते हैं, जब मैच रुक गया बीवियों की मन की हो गई, तुम्हारे मन की हो गई। जो हमारे बाहर के काम है हम जब तक वो ही कराते हैं। गजब की गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी तेज धूप है। हम जा रहे हैं फ्रेंड्स वॉलपेपर लेने के लिए, एक रूम सोच रहे हैं कि हम रेनोवेट करें, कौन सा रूम करेंगे और क्यों कर रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा।
वॉलपेपर तो पसंद आ गया, बस वो अवेलेबल होना चाहिए। हमारा एक काम तो फाइनल हो गया फ्रेंड्स, अवेलेबल है हमें जो पसंद आया था। कभी कभी मेरी किस्मत ऐसी होती है कि जो मैं चाहूँ आसानी से मिल जाए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तुम चाहती हो तो मिल भी जाता है। माशाल्लाह, मैच स्टार्ट हो गया, आउट भी हो गया रोहित शर्मा यार। कोई बात नहीं, अभी पूरी टीम बाकी है, बी पॉजिटिव। क्यों बंद कर दिया मैच? अब नहीं देखना मैच। हम लोग घर भी नहीं पहुँच पाए और सेकेंड विकेट भी चला गया। आ चुके हैं फ्रेंड्स घर, हम लोग 4 बज चुका है तो अभी इंडिया के 30 रन पे 2 विकेट हो चुके हैं और अभी बिल्कुल उम्मीद है कि हम जीतेंगे मैच। कोई भी जीते, हमारी तुम्हारी लड़ाई जरूर हो जाएगी, जैसे तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। भाई देख लेंगे यार, थोड़ी देर मैच फिर कर देंगे। सुनिए बारिश आ गई। A few moments later. तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ऊपर, बेडशीट देखिए चेंज हो गई है, मगरिब का टाइम है, नमाज पढ़ लेते हैं और सनी गए हैं बाहर और मैच अभी चल ही रहा है, तो नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे। Few moments later. वालेकुम अस्सलाम, आ गए ठीक हो? तो बे ठीक है अब? तो हम लोग भी वॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स, अम्मा पीछे बात कर रही है, उनकी फ्रेंड्स इतने दिनों बाद मिली है ना उनको। 10:45 हो चुके फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 दिन का ब्लॉग जो कि मुंबई से शुरू हुआ था, माधा में खत्म हुआ है, अभी एडिट हुआ है तो मैंने सोचा अभी डाल देती हूँ, संडे आप लोग देख लेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बिजी भी थे इन दिनों, तो ज्यादा एडिट का भी टाइम नहीं मिला और कल तो पूरा दिन मैच के चक्कर में चला गया और लास्ट में तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड उसका एंड हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था। टाई हो गया तो मैच लवर्स को टाई नहीं पसंद? नहीं, उनको रिजल्ट पसंद होता है ना। मुझे मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा ना ज्यादा बुरा लगा। रूम हमारा रेनोवेट कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद किचन का सामान अभी हमें लेने जाना है, जो भी करेंगे आपको बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हम याद रखें।